अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा का इसराइल गजा जंग बंदी पर अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मकदम। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि हमने वाज़ह तौर पर कहा है कि तशद्दुद को रोकना चाहिए। कनाडा दिसंबर से एक पायदार जंग बंदी का मुतालबा कर रहा है। रूस की जंग में यूक्रेन के लिए लड़ते हुए मजीद दो कैनेडियन हलाक। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। हलाक कैनेडियन यूक्रेन में फौजियों को इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत फराहम कर रहा था। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की एक खुफिया रिपोर्ट, कनाडा के तारीख मुस्तकबिल की पेशनगोई, मौसमियाती तब्दीली, गलत मालूमात, हुकूमती अदम एतमाद और आलमी कसाद बाजारी बड़े मसले करार। इसराइल सलामती कौंसल में करारदाद की मुखालफत ना करने पर अमरीका से नाराज। अमरीका का कहना है कि रफा पर हमला किया तो इसराइल की सलामती खतरे में पड़ जाएगी, गजा में इमदाद की फराहमी यकीन बनाना होगी। क्रॉक्स हाल हमला, रूसी सदर का अहम बयान सामने आ गया। प्योतिन का कहना था कि मॉस्को में हमला मुस्लिम इंतहा पसंदों ने किया, रूस की दिलचस्पी हमला आवरों के गाहक में है। हेडलाइंस आपने जानी है और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की तरफ से मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमज़ान के दौरान इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के मुतालबे का खैर मकदम किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की तरफ से मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमज़ान के दौरान इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के मुतालबे का खैर मकदम किया है। कनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जूली ने ऑटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा दिसंबर से एक पायदार जंग बंदी का मुतालबा कर रहा है। जूली ने कहा, हमने वाज़ह तौर पर कहा है कि तशद्दुद को रोकना चाहिए और इस जंग बंदी को यरगमालियों की रिहाई, हमास के हथियार डालने के साथ ये भी यकीनी बनाना चाहिए कि इंसानी इमदाद गजा तक पहुँच सके। हमें उम्मीद है कि ये करारदाद तमाम फरीकैन को वाज़ह पैगाम देगी। पीर को मंजूर होने वाली करारदाद में यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया है, लेकिन उसे 9 अप्रैल को ख़त्म होने वाले माह रमज़ान के लिए जंगबंदी की शर्त नहीं बनाया गया है। इसका मतलब है कि इस तरह का वक्फा सिर्फ 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। करारदाद के मुसव्वदे में कहा गया है कि ये लड़ाई में इस तरह का वक्फा मुस्तकिल पायदार जंगबंदी का बाइस बनना चाहिए। अमरीका ने करारदाद पर वोटिंग से परहेज किया, जिस पर इसराइली वजीर आजम ने फौरी एहतजाज किया। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक आला सतही वक्त का वाशिंगटन का मनसूबा बंद दौरा मनसूख कर दिया और अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उसूली मौकफ से पीछे हट रहा है। जूली का कहना था कि हम जानते हैं कि गजा इस वक्त ज़मीन पर रहने के लिए सबसे ज्यादा तबाह कुन जगहों में से एक है। एक फौजी ऑपरेशन तबाह कुन होगा क्योंकि इन लोगों के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। आलमी अमूर का कहना है कि रूस की जंग में यूक्रेन के लिए लड़ते हुए मजीद दो कैनेडियन हलाक हो गए हैं। जानेंगे इस रिपोर्ट में। आलमी अमूर का कहना है कि रूस की जंग में यूक्रेन के लिए लड़ते हुए मजीद दो कैनेडियन हलाक हो गए हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा कि वो दो कैनेडियनों के बारे में जानता है जो हाल ही में यूक्रेन के लिए लड़ते हुए हलाक हुए थे, जिससे फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद हलाक होने वालों की तादाद 11 हो गई थी। हलाक होने वाला कैनेडियन यूक्रेन में फौजियों को इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत फराहम कर रहा था और एक फौजी जरिए के मुताबिक जिसने शनाख्त जाहिर न करने की दरख्वास्त की
क्योंकि वो मीडिया से बात करने के मजाज नहीं थे। लॉक फोर्टियर, जिसने रॉयल 22वें रेजिमेंट में ड्राफ्ट के साथ खिदमत अंजाम दी, जिसे वॉन डॉस भी कहा जाता है, ने उन्हें खुश मिजाज लेकिन सबसे बढ़कर बहुत सरशार के तौर पर याद किया। डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस ने कहा कि उसके पास जेन फ्रांकोइस रिटेन नामी शख्स का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसने 3 साल तक आर्टिलरी मैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। एक दोस्त ने बताया कि वो बाद में फ्रांसीसी गैर मुल्की लश्कर में शामिल हो गया था और उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में वो मशहूर फ्रांसीसी फौजी कोर की वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांसीसी फौज ने तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। 2 कैनेडियनों की मौत की इत्तला असल में रूसी हुकूमत ने सोशल मीडिया पोस्ट में दी थी, जिसमें मर्दों की तस्वीर और दीगर जाती तफसीलात शामिल थी। जनूबी अफ्रीका में रूसी सिफारत खाने ने दोनों अफराद को किराए के फौजी के तौर पर बयान किया और कहा कि रिटेला एक ड्रोन हमले में मारा गया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की एक खुफिया रिपोर्ट कैनेडा के मुस्तकबिल की तारीख तस्वीर पेश करती है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की एक खुफिया रिपोर्ट कैनेडा के मुस्तकबिल की तारीख तस्वीर पेश करती है। मालूमात की रसाई के तहत दरख्वास्त के जरिए हासिल की गई बहुत ज्यादा तरमीम शुदा दस्तावेज कैनेडा में तैयारी के लिए परेशान कुन रुझानात का खाका पेश करती है, बशमूल मौसमियाती तब्दीली, गलत मालूमात, हुकूमती अदम एतमाद और आलमी कसाद बाजारी। रिपोर्ट के तारुफ में कहा गया है कि आलमी बिरादरी ने कई बहरानों का सामना किया, जिसमें कोविड-19, सप्लाई चेन के मसाइल और यूक्रेन पर रूसी हमले ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेजी हैं। शायद अगले 5 सालों में सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के इब्तदाई असरात और आलमी कसाद बाजारी ने जारी बहरानों में अपना वजन बढ़ा दिया है। 2023 में शाया होने वाली गैर ऐलानिया रिपोर्ट में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कसरत के खात्मे पर हवाला दिया गया है और नोट किया गया है कि मुस्तकबिल की मौशी पेशगोइयां तारीख हैं। 9 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पर मकबूल नाराजगी के उनवान से एक हिस्से में पेशगोई की गई है। कसाद बाजारी का आने वाला दौर मयार जिंदगी में गिरावट को भी तेज करेगा, जिसे नौजवान नस्लें पहले की नस्लों के मुकाबले में देख चुकी हैं। इसमें कहा गया है कि 35 साल से कम उम्र के बहुत से कैनेडियन रहने के लिए जगह खरीदने के काबिल नहीं होंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मयारे जिंदगी में इस गिरावट का नतीजा इस हकीकत से मजीद बढ़ जाएगा कि दौलत की इंतहा के दरमियान फर्क अब तरक्की याफ्ता ममालिक में इससे कहीं ज्यादा है, जितना कि कई नस्लों में किसी भी वक्त था। रिपोर्ट में एतमाद का कटाव, पैरानाइड पॉपुलिज्म और मौसमियाती तबाही के असरात के हिस्से भी शामिल हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह अंदाजा लगाना चाहिए कि मौसम के ये तबाह कुन नमूने हुकूमत के तमाम पहलुओं को मुतासिर करेंगे, बशमूल अहम बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान, आर्कटिक के इलाके को सौंपने के लिए दबाव में इजाफा और बहुत कुछ। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कानून नाफिज करने वालों को गलत मालूमात की मुहिमात और तमाम जमहूरी इदारों के लिए बढ़ती हुई अदम एतमाद की वजह से जारी समाजी और सियासी पोलराइजेशन की तवक्को करनी चाहिए। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में गजा में जंग बंदी के लिए पेश की गई करारदाद की मुखालफत ना करने पर इसराइल ने अमरीका से सख्त नाराजगी का इजहार कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में गजा में जंग बंदी के लिए पेश की गई करारदाद की मुखालफत ना करने पर इसराइल ने अमरीका से सख्त नाराजगी का इजहार कर दिया। जबकि अमेरिका ने खबरदार करते हुए कहा है कि रफा पर हमला किया गया तो इसराइल की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इसराइल की रफा पर चढ़ाई बड़ी गलती हो सकती है। रफा पर हमले से इसराइल की सलामती खतरे में पड़ जाएगी, गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा है कि इसराइल के वक्त की दौरे की मनसूखी पर हमें हैरानी हुई है। बदकिस्मती से इसराइल अमरीका के साथ मुजाकरात में शरीक नहीं हो रहा। दूसरी जानब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इसराइल बैनुल अक्वामी सतह पर तनहा होने की वजह से अपनी हिमायत खो रहा है। इसराइल को फलस्तीन के खिलाफ जल्द जंग खत्म करना होगी। वाजे रहे कि अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर की। फौरी जंग बंदी की करारदाद सलामती कौंसिल के 10 रुकन ममालिक ने पेश की, जिसमें अलजजायर, जापान, एक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, जनूबी कोरिया, माल्टा और दीगर शामिल थे। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, जबकि अमरीका ने गजा में जंग बंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा न लिया। करारदाद में यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी शामिल है। वोटिंग से चंद मिनट पहले अमरीका ने करारदाद में मुस्तकिल जंग बंदी के अल्फाज को तवील जंग बंदी में तब्दील कराया। इसराइल के 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर जमीनी और फिजाई हमले जारी हैं और हमलों में अब तक 32,333 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
दूसरी जानिब अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गज़ा में जंग बंदी के लिए पेश की गई करार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उन्हें मालूम है कि मॉस्को में हमला मुस्लिम इंतहा पसंदों ने किया, मगर रूस की दिलचस्पी हमलावरों के गाहक में है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उन्हें मालूम है कि मॉस्को में हमला मुस्लिम इंतहा पसंदों ने किया, मगर रूस की दिलचस्पी हमला आवरों के गाहक में है। पुतिन ने कहा कि आखिर हमले के बाद दहशतगर्द यूक्रेन ही फरार होना क्यों चाहते थे और वहां कौन उनका इंतजार कर रहा था। बैनुल अक्वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर पुतिन क्रॉकस हॉल पर हमले के बाद के इंतजामात का जायजा लेने से मुतालिक इजलास के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। रूसी सदर का कहना था कि मुस्लिम इंतहा पसंदों के नज़रियात का तो इस्लामी दुनिया सदियों से मुकाबला कर रही है, मगर जिस बात में रूस को दिलचस्पी है वो ये कि ऐसे इंतहा पसंदों का गाहक है कौन। रूसी सदर का मजीद कहना था कि मुजरिमों को सजा देने की ख्वाहिश अपनी जगह, मगर वाकई की तहकीकात बगैर तासुब के और मारूजी अंदाज से होंगी। रूसी सदर ने कहा कि ज़रूरी है कि कई सवालात के जवाब हासिल किए जाएँ, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या वाकई मुस्लिम इंतहा पसंदों ने फैसला किया था कि वो रूस पर हमला करें, जबकि रूस मशरिक वस्ता के तनाज़े में मुनसिफाना हल के लिए खड़ा है। पुतिन ने कहा कि 22 मार्च को रूस के दारुल हुकूमत पर किया गया हमला एक धमकी है, जिससे ये सवाल उठता है कि आखिरकार इससे फ़ायदा किसे हासिल हुआ। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।